शाहजहांपुर जनपद के नगर जलालाबाद के तैसी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से धोखाधड़ी करके चेक के माध्यम से महिला के खाते से रुपए निकालने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से 20,000 रुपए, 3 मोबाइल फोन, 1 i10 गाड़ी बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ पर बताया कि शिवराम पुत्र राम सर प्रसाद बैंक के चपरासी का काम करते हैं व करण पुत्र रामचरण बैंक के सफाई कर्मी है। इन्हीं दोनों से मिलकर पीड़ित उमा देवी के खाते से चेक द्वारा रुपए निकालने की योजना बनाई गई थी। थाना जलालाबाद पर श्रीमती उमा देवी द्वारा दिनांक 13 दिसंबर को एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके खाते से 7,70,000 रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लिए गए हैं। थाना जलालाबाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि शिवराम नाम का एक अभियुक्त है जो बैंक में चपरासी है तथा करण सफाई कर्मी है। शिवराम को ये पता था कि इनकी चेकबुक बैंक में पड़ी हुई है और खाते में मोबाइल नंबर एक्टिवेट नहीं है। उसने करण को बताया कि अगर हम इसमें से चेक से पैसा निकाल लें थोड़ा थोड़ा करके तो उनको मैसेज नहीं जाएगा। ये योजना बनाकर दोनों ने उसकी चेकबुक लेकर उसके अलग अलग दिनांक पे दस्तखत करके दस्तखत की प्रैक्टिस करण ने पुराने विड्रॉल फॉर्म को देख कर की। उसके बाद एक दीपक अभियुक्त है, उसको चेक दिए भुगतान कराने के लिए। दीपक ने एक चेक स्वयं भुगतान कराया तथा बाकी के चेक अपनी भतीजी से भुगतान करवाए। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तार करके भेज दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।